वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी देख रहे हो कि मैं स्वॉर्ड यानी किरपान लेके बैठी हूँ श्री साहिब, बिकॉज काफ़ी दिन हो गए सी क्लीन किते नू, सो आई हैव टू डू इट नाउ। एंड इनू क्लीन करन ले मैं नींबू लिया है, एंड इधर तो जिवें बोलते ना ये जो ब्लैक ब्लैक सी ए यू कैन से लाइक थोड़ी बहुत वुड ऐश या फिर स्वा सी उसके कारण ये ब्लैक ब्लैक लग रही है, बट ये थोड़ी देर में क्लीन हो जाएगी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो है साफ करके साफ कपड़े ना लाइक मतलब कॉटन या फिर जो भी है जिस दे नाल आपां नॉर्मल साफ करके रख सकते हैं। ये टोटल 3 फिट दी है श्री साहब, एंड गिल्ला नहीं करना है ज़्यादा कुछ भी। एंड नींबू है तो वो जो नींबू का रस लग रहा है इनू उस दे नाल ज़्यादा जो है कपड़े नाल साफ करके रख के फिर जो है श्री साहब नो ऑयलिंग करके या जिदा घ्यो थोड़ा जहा गर्म करके थोड़ा जहा इनू लगा के जंग ना लगे इस करके रखना है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। मैं भी आप ज़्यादा नहीं जानती हूँ, थोड़ा बहुत देख के या फिर सुन समझ के यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो यू कैन इवन शेयर योर सजेशंस विथ मी, थैंक यू। और हाँ सॉरी नॉट थैंक यू, मेरे को होर एक श्री साहब है इसका मुठ्ठा यह जहा है, एंड दूसरी वाली का मुठ्ठा मैं शो कर दिया थोड़ी देर में। ओके एक दूजी है, इट इज़ जस्ट 2.5 फीट 2.5 फीट दी है, एंड इसमें मैं हम स्टार्ट कर रही हूँ क्लीन करना, ठीक है। दिस इज सिल्वर वर्क एंड ये अमृतसर तो ले आई हुई है। इसी तरह इनू मतलब साफ करना है नींबू नाल, थोड़ा जैसे तो रस निचोड़ लो एंड इस तरह करो। सो स्पेशली फॉर एनी गुरसिख और एनी शस्त्रधारी, अगर थोड़े कोई भी शस्त्र है प्लीज़ रिस्पेक्ट इट एंड कीप क्लीनिंग इट टाइम टू टाइम वेन एवर इट इज़ नीडेड। जंग ना लगन दो, बिकॉज शस्त्र में थोड़ा जहा भी जंग लग जाए ना इसका मतलब इट रियली नीड सम सर्विस। ओके सो दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग फाइनली। ये बहुत पहला दा दाग है, आई विल क्लीन इट समटाइम, बट ये हमेशा क्लीन नहीं हो पाता है। ये तो वैसे ही रखे ने बट इन्हों हम घ्यो लग चुका है मेरे वालों,